पीडीपी विधायक का एसपीओ बन चुका है हिजबुल का खूंखार आतंकी। विधायक निवास से 7 AK-47 राइफल लेकर भागने वाले एसपीओ का आतंकी चेहरा देखिए। इसी एसपीओ पर जम्मू पुलिस ने रखा है 2 लाख रुपए का इनाम। अब ये तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि कैसे पीडीपी के विधायक का एसपीओ आदिल बशीर खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बन चुका है। देखिए, लाल जैकेट पहने ये है आदिल बशीर। इसी आदिल बशीर की ये दूसरी तस्वीर है। आतंकियों को अपना भाई मानने वाले पीडीपी विधायक एजाज मीर ने ही 2017 में इसे अपना एसपीओ नियुक्त किया था और विधायक निवास से आदिल मौका देखकर ही सुरक्षा कर्मियों के साथ AK-47 लेकर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि आदिल ने ये राइफल 12 लाख के इनामी आतंकी जीनतुल इस्लाम को दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसपीओ नियुक्त होने से पहले आदिल नामी पत्थरबाज था। 2014 में उसके खिलाफ पत्थरबाजी के मामले दर्ज हुए थे। आदिल के आतंकियों से संबंध का शक पहले ही था। अब सवाल यह है कि जब एक आदमी पहले से संदिग्ध था तो फिर उस पर पीडीपी विधायक ने अपना भरोसा क्यों जताया? पीडीपी विधायक के कहने पर आदिल एसपीओ बना और फिर विधायक निवास से हथियार लेकर फरार हो गया। सवालों के घेरे में पीडीपी विधायक भी है, मगर तस्वीरें सामने आने के बाद अब सुरक्षाकर्मी आदिल बशीर की तलाश में लग गए हैं। अशरफ वानी, जम्मू, आज तक।